भैया आपको कुछ चाहिए क्या? ठीक जी हाँ, दो चाय लाइए। है भैया। चार चाय लाइए भैया। लगता है तुम इस गांव में नए हो। जी हाँ, पर आपको कैसे पता? क्योंकि आपको कभी देखा नहीं यहाँ पे, और आप काफी परेशान भी लग रहे हो। क्या इस परेशानी की वजह मैं जान सकता हूँ? दरअसल एक हफ्ते से मेरा भाई लापता है। मैंने बहुत से लोगों से भी पूछा और मैंने पुलिस में भी एफआईआर दर्ज किया, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। आपके भाई से आखिरी बार कब बात हुई थी? वो मुझसे आखिरी बार यही कहकर गया कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। भैया भैया यहाँ पे तो कोई पार्क नहीं है। यहाँ पे कोई पार्क नहीं, नहीं है। कहीं वो डायरेक्टर बंगला तो नहीं गया? वहाँ के बारे में मैंने एक चीज़ सुनी ज़रूर है। वहाँ पे एक आदमखोर का बसेरा है मेरे दोस्त, जो लोगों को मार कर खा जाता है। अभी तक पुलिस या किसी और को मरने वाले की बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन ये बात वहाँ के गांव वालों में बहुत चर्चित है। मुझे इन सब बातों पर भरोसा नहीं है। मैं भी पहले तुम्हारी तरह सोच रखता था, लेकिन उस रात जब मैंने देखा। इंसान की शक्ल में हैवान, और मुझे नहीं लगता है तुम्हारा भाई अगर वहां से लापता हुआ है तो अभी तक जिंदा भी हो। वो इंसान की शक्ल में हैवान। Thank you.
Hey!
कितने लोग थे तुम लोग? हम चार लोग थे। तुम कैसे बचे अभी तक? मैं छिपा हुआ था भैया। चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। हाँ। एक हफ्ते से मेरा भाई लापता है। यहाँ के बारे में मैंने बहुत लोगों से सुना था। क्या पता मेरा भाई किस हाल में है, ये भी पता नहीं। पता नहीं यार मेरा भाई किस हाल में होगा, वो जिंदा भी है या फिर कुछ नहीं बता सकते। वो मुझसे झूठ बोल कर गया था कि मैं पार्क जा रहा हूँ। अगर मुझे पहले पता रहता कि यहाँ पे वो आ रहा है तो मैं उसे कभी यहाँ आने नहीं देता। हम लोग भी इस जगह पे चार लोग आए थे, सारे के सारे मारे गए, सिर्फ मैं ही एक अकेला बचा। हम लोग भी मारे जाएंगे। चलो अब चलते हैं यहाँ से। ये
यहाँ से। चलो आराम से धीरे धीरे। Yeah.